एक बीघा जमीन का फुल डिटेल देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लाठा या लग्गी को देख लीजिए जो मापक रहता है। लग्गी बराबर 4 हाथ, लग्गी बराबर 4.25 हाथ, लग्गी बराबर 4.5 हाथ, लग्गी बराबर 4.75 हाथ, लग्गी बराबर 5 हाथ, लग्गी बराबर 4.25 हाथ, लग्गी बराबर 5.5 हाथ। और ये देख लीजिए यहाँ पर लग्गी बराबर 4.75 हाथ और लग्गी बराबर 6 हाथ, लग्गी बराबर 4.25 हाथ, लग्गी बराबर 6.5 हाथ। इस तरह से 11-12 हाथ तक आप जो है लाठा या लग्गी जो है आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, सबसे पहले लग्गी बराबर 5.5 हाथ को देखेंगे और यहाँ पर लग्गी बराबर 6.5 हाथ को जानेंगे हम लोग। पूरा वीडियो में बने रहिए, कैसे निकाला जाता है इसको जानते हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर लग्गी लिख लीजिए, लग्गी लग्गी बराबर 5.5 हाथ, ठीक 5.5 हाथ, इसके बराबर होता है 8.25 फुट, ठीक ये 8.25 फुट लाठा रहता है लग्गी। तो एक धूर बराबर जानते हैं, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग कर दीजिए, ये लग्गी का वर्ग कर दीजिए इस प्रकार से, तो इसके बराबर 8.25 गुणा कर दीजिए 8.25 का, तो बराबर होगा 68.0625 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होता है। ये देख लीजिए 68.0625 वर्ग फुट होता है एक धूर में। तो एक कट्ठा लिख लीजिए यहाँ पर, एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, 20 गुणा 68.0625 कर दीजिए तो बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होता है, इतना वर्ग फुट होगा एक कट्ठा बराबर। और यहीं पर हम लोग जानेंगे एक बीघा बराबर देख लीजिए, एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, 20 गुणा 1361.25 कर दीजिए तो बराबर होगा 27,225 वर्ग फुट होता है, इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए 27,225 वर्ग फुट, ये स्टैंडर्ड बीघा है। अब इसका प्लॉट कितना बड़ा होता है इसको देख लीजिए, फुट में कितना लंबाई चौड़ाई होता है इस तरह से सवाल है, तो देख लीजिए फुट में कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको हम लोग जानेंगे। ये देख लीजिए इस प्रकार से आप प्लॉट बना लीजिए, ये देखिए ये रहा एक बीघा, यहाँ लिख लीजिए एक बीघा का जमीन है, ठीक कितना एक बीघा का जमीन है, तो ये कितना लंबाई चौड़ाई होगा इसको देख लीजिए। लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बताया हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए 165 फुट लंबाई होगा तो 165 फुट चौड़ाई होगा, ये स्टैंडर्ड बीघा है। कितना गज होता है इसको देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए एक बीघा बराबर 27,225 बटे कर दीजिए 9 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, मैं भी कर लेता हूँ, ये देख लीजिए भागी 9 तो 3,025 वर्ग गज होता है, इतना वर्ग गज होगा, कितना 3,025 वर्ग गज होगा। कितना वर्ग मीटर होता है इसको भी देख लीजिए, कितना वर्ग मीटर होगा इसको देख लीजिए। एक बीघा बराबर
27,225 भागी कर दीजिए 10.76 से। एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होता है, इसी से भाग कर दीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ 10.76 से, ये देख लीजिए बराबर होगा ये 2530 वर्ग मीटर, यानी कि दशमलव के बाद फिर लिख लीजिए 2530.2 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होता है। ठीक, ये देख लीजिए इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से। अब हम लोग जानेंगे कितना हेक्टेयर होता है, तो लिख लीजिए एक बीघा बराबर 27,225 भागी में कर दीजिए 108,900 वर्ग फुट। एक हेक्टेयर बराबर 108,900 वर्ग फुट होता है, इसी से भाग कर दीजिए 108,900 से, तो बराबर होगा ये देख लीजिए 0.25, इधर चाहे तो जितना जीरो लगा सकते हैं, इतना हेक्टेयर का प्लॉट होगा। आपका रकबा जो है इतना है, रकबा कितना है 0.2500 हेक्टेयर है। चलिए अब हम जानेंगे लग्गी बराबर 6.5 हाथ से, यहाँ पर लिख लीजिए लग्गी बराबर है दूसरा बीघा जानेंगे, लग्गी बराबर 6.5 हाथ। ठीक, आप जानते हैं यहाँ पर लिख लीजिए एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। एक हाथ बराबर जानते हैं 18 इंच होता है, 18 इंच में 1.5 फुट होगा। चलिए तो लग्गी बराबर होगा, फुट में बदल लीजिए, लग्गी बराबर 6.5 × 1.5 बराबर, कैलकुलेट कर लीजिए मैं भी कर लेता हूँ, ये 6.5 × 1.5 तो 9.75 फुट का लग्गी होगा। ठीक, यहाँ पर कितना है 10.25 हाथ का लग्गी है, लाठा है। चलिए एक धूर का मान निकाल लीजिए, यहाँ एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 9.75 × 9.75 बराबर 95.0625 वर्ग फुट होगा। एक धूर बराबर कितना होगा 95.0625 वर्ग फुट होगा, गुणा कर लीजिए 9.75 × 9.75 तो इतना ही होगा। अब एक कट्ठा का देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, इसलिए 20 × 95.0625 तो बराबर होगा 1901.25 वर्ग फुट होगा। यहाँ एक कट्ठा बराबर कितना होगा ये देख लीजिए 1901.25 वर्ग फुट होगा। एक बीघा बराबर होगा 20 कट्ठा, तो 20 × 1901.25 कर दीजिए तो बराबर होगा, एक बीघा बराबर कैलकुलेट कर लीजिए मैं भी कर लेता हूँ, चलिए ये 38,025 कितना होगा 38,025 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। एक बीघा बराबर यहाँ पर 38,025 वर्ग फुट होता है। ठीक, और इसका प्लॉट को देख लीजिए कितना बड़ा होता है, इसका प्लॉट बना लीजिए इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह से प्लॉट बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए 1 बीघा
एक बीघा का जमीन, एक बीघा का जमीन है, इसका लंबाई यदि आप माप लिए हैं, मान के चलिए लंबाई आप मापे हैं 250 फुट, ठीक, तो चौड़ाई बराबर होगा, देख लीजिए, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई होगा, तो बराबर क्षेत्रफल कितना है, 38,025 वर्ग फुट है, 38,025 वर्ग फुट है। तो इससे जो है लंबाई 250 फुट मापे हैं, 250 फुट, तो बराबर होगा चौड़ाई, मैं भी भाग कर लेता हूँ, कर लीजिए, चलिए भागी 250, तो बराबर होगा 152.1 फुट होगा, लिख लीजिए यहाँ पर 152.1 फुट होगा चौड़ाई यहाँ पर, ठीक। अब हम जानेंगे कितना गज होता है, वर्ग गज, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए एक बीघा बराबर 38,025 बटे में कर दीजिए, 38,025 बटे कर दीजिए 9 से भाग कर दीजिए, तो बराबर होगा, चलिए मैं भी भाग कर लेता हूँ 9, 4,225 वर्ग गज होगा, इतना वर्ग गज होगा, 4,225 वर्ग गज होगा। कितना वर्ग मीटर होगा इसको देख लीजिए, एक बीघा बराबर 38,025 बटे कर दीजिए 10.76 से भाग कर दीजिए, मैं भी कर लेता हूँ 10.76, तो बराबर होगा 3,533.92 वर्ग मीटर होगा, ये वर्ग मीटर में इतना होगा, ये देख लीजिए 3,533.92 वर्ग मीटर होगा। कितना हेक्टेयर होगा इसको देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं हेक्टेयर को, एक बीघा बराबर 38,025 बटे में कर दीजिए 1,08,900, तो बराबर होगा, मैं भी भाग कर लेता हूँ 1,08,900 से भाग कर दीजिए, तो बराबर 0.34917 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर का प्लॉट यहाँ पर होगा, आपके खतौनी में इतना रकबा होना चाहिए, तो एक बीघा होगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।